नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है सूखे मसाले चने। तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। सूखे मसाले चने बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल सूखे चने लिए हुए हैं और इन्हें 5 से 6 घंटे पानी में भिगो के रखा हुआ था। ये हरे रंग के भी आते हैं मार्केट में और काले चने भी मिलते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और तड़का लगाने के लिए मैंने जीरा लिया हुआ है, लगभग 1 से 2 चम्मच डालूंगी मैं। हल्दी पाउडर डालूंगी 1 छोटा चम्मच। 2 मिर्च ली है जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और मैंने 2 चम्मच जीरा तवे पे भून लिया है, उसे क्रश करके रखा हुआ है। और इसमें मिर्च पाउडर डालूंगी लगभग 2 से 3 छोटा चम्मच, या स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और 3 से 4 छोटा चम्मच में इसमें धनिया पाउडर डालूंगी और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। और तड़का लगाने के लिए रिफाइंड ऑयल है। शुरू करते हैं बनाना। मसाला चना बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है, गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी लगभग 1 बड़ा चम्मच। ऑयल डाला है मैंने, ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी, जीरा अच्छे से भून जाए तो इसमें हरी मिर्च डालती हूँ मैं। जीरा अच्छे से भून गया है, अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ और चने डाल देती हूँ। अब मसाले डाल दूंगी सभी, मसाले डाल दूंगी। अब मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी लगभग 2 से 3 चम्मच डाला मैंने। अब हल्दी पाउडर डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच। मिर्च पाउडर डाल दूंगी, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो थोड़ा सा कम मिर्च डालूंगी। और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स हो गए, अब मैं इसे ढक दूंगी और ढक करके लगभग धीमी आंच पे 10 मिनट पकाऊंगी। और बीच बीच में हमें इसे देखते रहना पड़ेगा ताकि नीचे से चिपके या जले ना। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार और मिक्स कर देती हूँ मसाला चने को। देखिए बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मसाला पूरी तरह से चनों में कोट हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। एक बार फिर से मिक्स करके ढक देती हूँ। लगभग 5 से 6 मिनट ऐसे धीमी आंच पर और पका लूँगी और हमारे मसाला चने तैयार हो जाएंगे। लगभग 4 से 5 मिनट मैंने और चने को पका लिया है, ढक्कन हटा के फिर से एक बार मिक्स करूँगी। चने हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये भुना हुआ जीरा जो क्रश करके रखा था वो भी डाल दूँगी और उसमें हरा धनिया डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। जब हमने डाले तो इनका कलर हरा सा था, अच्छी तरह से पक चुके हैं तो इनका कलर भी चेंज हो गया है। हमें गैस ऑफ कर दूंगी। चने तैयार है, मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। गर्मा गर्म सूखे मसाले चने तैयार है खाने के लिए, जिसे मैंने नींबू के साथ सर्व किया है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या ऊपर से नींबू निचोड़ के भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और नाश्ते के लिए भी एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि सूखे मसाले चने आपको कैसे लगे। और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।